प्लीज मुझे बचा लो, पीछे मेरे कुछ लड़के पड़े हुए हैं मुझे लूटने के लिए। अरे मैडम कौन हो आप और कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, और ये दुल्हन के ड्रेस में आप रोड में भाग क्यों रही हो? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं अपने शादी के मंडप में जा रही थी, वो तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पहले आप ये पैसे रख लो और मुझे बचा लो। हाँ ठीक है मैडम, पहले ना मैं ये पैसे छुपा लेता हूँ, वरना वो ये पैसे देखेंगे तो आप पे अटैक कर सकते हैं। अरे अरे मैडम मैडम क्या हुआ आपको? मैडम आप ना पहले पानी पीजिए, ये लीजिए मैडम आप पहले पानी पी लीजिए। मैडम अब आप सही हो? मैं तो सही हूँ, लेकिन अब तू सही नहीं रहेगा। मैं सही नहीं रहूंगा? अरे मैडम आप कैसी बातें कर रही हो और क्या बोल रही हो आप? दीपक बन गई वीडियो? हाँ बन गई वीडियो, और वो भी 4K में। वीडियो? कैसी वीडियो? मैडम ये किस चीज की वीडियो है और ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? रुक जा अभी सब समझाती हूँ मैं। देख बेटा मैंने अब तेरी वीडियो बना ली है, और इस वीडियो को लेके मैं पुलिस के पास जाऊंगा और वहाँ FIR कराऊंगा तेरे नाम से कि मेरी बीवी मुझसे शादी करने के लिए रास्ते से निकल के जा रही थी और तूने उसे लूट लिया और उससे सारे पैसे भी छुड़ा लिए। अब मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को लेके पुलिस वालों के पास। अरे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो उल्टा इनकी मदद की है और आप मुझे ऐसे कैसे फंसा सकते हो? अच्छा तो तू अब फंसना भी नहीं चाहता, तो एक काम कर जल्दी से हमें 1,00,000 रुपए दे जिससे तू फंसेगा नहीं, वरना हम अभी जा रहे हैं ये सबूत लेके पुलिस के पास। 1,00,000 रुपए? अरे मैडम आप ये कैसी बात कर रही हो, और भला मैं आपको कहाँ से 1,00,000 रुपए दूंगा, और आप मुझे ऐसे कैसे फंसा सकते हो? अच्छा ऐसे कैसे फंसा सकते हैं? अबे तुझे अंदाजा भी नहीं है कि हम कर क्या सकते हैं, और तू पहला नहीं है जिससे हम ये पैसे लूट रहे हैं, तो उससे पहले भी ना जाने हमने कितने लोगों को फंसाया है। तो एक काम कर जल्दी से हमें पैसे दे और निकल जाए यहाँ से। नहीं मैडम मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अच्छा तो तू ऐसे पैसे नहीं देगा? अबे ले देख पुलिस भी आ गई, वो भी बिना बुलाए, तेरी तो ज्यादा ही कुछ किस्मत खराब है। अब भी तेरे पास टाइम है, जल्दी से हमें पैसे दे दे, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के तुझे अंदर करवाता हूँ। क्या चल रहा है ये सब यहाँ? देखो ना इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ रास्ते से जा रही थी अपनी शादी के लिए, तो इसने मुझे रोककर मेरे पैसे लूट लिए, और इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब ये ना सही बोल रही है, वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गया, नहीं तो पता नहीं ये इसके साथ क्या ही करता, और मैंने इसकी वीडियो भी बना ली है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब अब ना तुम इसे जल्दी से पकड़ के ले जाओ और जेल में बंद कर दो। अच्छा जेल में बंद कर दूं? अरे इंस्पेक्टर साहब आपका दिमाग खराब हो गया क्या? छेड़ा तो मुझे इसने है, और आप इसे मार रहे हो जिसने मुझे बचाया है। ज्यादा ना सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत टाइम से खबर मिल रही थी कि इस एरिया में कोई दुल्हन लोगों को फंसा के उन्हें लूट दिए, इसलिए हमने यहाँ सारे पोलों पर CCTV कैमरे लगा दिए। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब आपने सही टाइम पे आके मुझे बचा लिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ आपको कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ मुझे लूट रहे हैं? वो क्या है ना जब मैं ऑफिस में बैठा था ना तभी। यार क्या करूं ये लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस दुल्हन को कैसे पकड़ूं? हेलो हेलो सर, हमने जिस एरिया में CCTV लगाए थे वहां एक दुल्हन को देखा गया है। अच्छा एक मिनट रुको मैं चेक करके देखता हूँ वो दुल्हन कहाँ पर है। ओह तो ये दुल्हन यहाँ है और आज किसी नए लड़के को लूट रही है, इसको तो आगे आप बताओ। इस तरह से मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब आज आपकी वजह से मैं बच गया, और ना जाने कितने और लोग बच गए जिनके साथ ये लोग फ्रॉड करते। अब आप एक काम कीजिए इन्हें ना जेल ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा जिससे कि ये आगे किसी के साथ ऐसे फ्रॉड ना करें। हाँ तो मैडम अब अपने आप जेल चलोगी या वो मैं पुलिस बुलाऊं? चल वे चलो।